तो भाई लोग वेलकम है तुम सभी का। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे ट्रेनिंग खेल सकते हो। और ओए रुक 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 रुक, क्या बोला तूने? तुम्हें ट्रेनिंग खेलना सिखाएगा? बोल तो ऐसे रहे, तुम्हें ट्रेनिंग खेलना सिखाएगा मतलब बोल तो ऐसे रहे जैसे हमें ट्रेनिंग खेलना आता ही नहीं है। नहीं, करना क्या है ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में जाना है, गल लेना है और अरे एक मिनट, उसके आगे मैं बोलता हूँ ना, गल लेना है, ट्रेनिंग में जाना है और मर के चले आना है। भाई लोग अगर तुम भी कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग खेलते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होने वाली है। तो आओ यार इंट्रो के बाद से वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स के बारे में कि आखिर वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपका गेम प्ले कहीं ना कहीं खराब होता जा रहा है। या यूं बोले तो उन मिस्टेक्स को अगर आप सही करते हो, ठीक है, तो आपका गेम प्ले काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलतियों के बारे में जानना ज़रूरी है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं तब तक हम उस गलती को सही नहीं कर सकते। और अगर हमें अपनी गलतियों का पता चलेगा तो हमारे गेम प्ले कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। तू सुन रहा है ना छोटू, तेरे लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे तू ट्रेनिंग पे प्रैक्टिस करियो, ठीक है? 14 से 15 दिन में तेरी गेम प्ले इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि तू मेरा नाम बदल दियो अगर नहीं हुई तो। ठीक है अनुराग भैया, फिर नाम बदलवाने के लिए तैयार हो आप, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, मेरे को तुम्हारा नाम बदलवाना है। मजाक कर रहा है ना तू? नहीं बिल्कुल नहीं, मजाक क्यों करूंगा, मेरे को तुम्हारा नाम चेंज करवाना है। वैसे तू उतना दूर क्यों बैठा है? इधर आ, पास में बैठ। बंदे तेरी आवाज नहीं सुनेंगे तो वैसे भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है? और तेरी आवाज वैसे भी उतना दूर से अच्छे से नहीं आएगी, फिर और भी लाइक नहीं करेंगे। और देखो अभी भी लाइक नहीं किया, कितना बेशर्मों की तरह वीडियो देख रहे हैं। कर दो यार लाइक, क्या जाएगा तुम्हारा, करो ना लाइक। हां इधर आ, तू पास में बैठ, यहां पे आके बैठ। हां मैं मजाक कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस करेगा, मैं जरूर प्रैक्टिस करेगा, वैसे इतना जोर से मारने की जरूरत थी। वैसे मतलब लाइट बंद करके क्यों मारा, चालू करके भी तो मार सकते थे ना। समझ गया मैं, अब नहीं बोलूंगा मैं बीच में, सॉरी। तो देखो यार, सबसे पहले मिस्टेक तुम क्या करते हो कि तुम आते हो ऑनलाइन और कोई भी तुम्हारा फ्रेंड तुमको इनवाइट करता है, तुम डायरेक्ट उसी ग्रुप में जाते हो और डायरेक्ट गेम खेलने लग जाते हो। इससे घाटा क्या होता है कि पहले तुम्हारे हाथ सेट नहीं होते, जिसकी वजह से तुम्हारे एक्यूरेट हेड नहीं लगते, और जब तक तुम्हारा हाथ सेट होता है तब तक तुम वो गेम भैया यार मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पहले तो तुम बोलते हो कि डायरेक्ट गेम मत खेलो, और फिर तुम बोलते हो कि मिस्टेक नंबर 2 में कि डायरेक्ट ट्रेनिंग मत खेलो। नहीं मतलब हम करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। नहीं अब तुम चाहते क्या हो, हम गेम ही ना खेलें? नहीं यही होता है जब कोई छोटा बच्चा ना कच्चा बादाम वाले अंकल के गाने को सीरियस ले लेता है और बहुत ज्यादा बादाम खा लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ना बी कैटेगरी के सी क्लास लोगों वाला दिमाग आ जाता है। नहीं मैं तारीफ कर रहा हूँ, बेइज्जती नहीं कर, तारीफ कर रहा हूँ। तो भाई लोग मिस्टेक नंबर 2 में आप करते क्या हो कि आप डायरेक्ट ट्रेनिंग गेम लगाते हो, जाते हो गन खरीदते हो और उसके बाद से ट्रेनिंग मोड में घुस जाते हो, तो वहाँ पे आप खेलने लग जाते हो, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यार अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देख छोटू, जो तू गन लेने के बाद से ना डायरेक्ट भाग जा रहा था बंदूक को मारने के लिए, अब तुझे वैसा नहीं करना है। अब तुझे करना क्या है कि तुझे गन लेने के बाद से ना प्रीमिस को डायरेक्ट यहाँ पे मारना है। अबे क्या हुआ, मतलब प्रीमिस को यहाँ पे डायरेक्ट मार गया। अबे गन लेने के बाद से ना तुझे प्रीमिस को डायरेक्ट ऐसा ही मार, कम से कम 2 मिनट। बस भैया बस, बहुत बेइज्जती सुन ली मैंने एडम चचा की, आपसे तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। तुमने एडम चचा की बेइज्जती कैसे कर दी, कैसे तुमने एडम चचा की बेइज्जती कर दी? मुंह से। फ्री फायर वालों ने एडम चचा का नाम चेंज करके प्रीमिस कर दिया तो क्या हुआ, दिल में तो हमारे हमेशा एडम ही रहेगा ना। सॉरी, अब से ओनली एडम चचा। अभी कितना ऑफ टॉपिक जाएगा, वीडियो पे भी ध्यान दे ले, जल्दी से चल आजा, फटाफट वीडियो बनाते हैं। सो देखो यार, अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कम से कम ना 2 मिनट ना हमारे एडम चचा के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, मतलब गन से मारने की प्रैक्टिस करनी है कम से कम 2 मिनट तक। एंड आफ्टर 2 मिनट तुम्हें क्या करना है वो मैं बताता हूँ अब। तो भाई लोग जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ना वो यही है,
जिसे तुम्हें खेलना है। सबसे पहले तुम्हें बिगिनर वाला खेलना है, ठीक है। बिगिनर वाले में अगर तुम परफेक्ट हो जाओ फिर तुम्हें इंटरमीडिएट वाले में खेलना है, फिर तुम इंटरमीडिएट वाले में परफेक्ट हो जाओ फिर तुम्हें एडवांस वाले में खेल, मतलब तुम्हें डेली के 3 सेट्स लगाने हैं, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, बिगिनर वाला जो है ना कम से कम यहाँ पे ये 4 सेकंड तक इसका रुकता है, 4 से 5 सेकंड, 4 सेकंड, हाँ ऑलमोस्ट 4 सेकंड, 4 सेकंड तक इसका यहाँ पे ये पुतला जो है, ठीक है, वो यहाँ पे खड़ा रहता है। तो भाई लोग सेट्स लगाने के बाद, मतलब उन तीनों में, तीनों मतलब बिगिनर वाले में, इंटरमीडिएट और फिर एडवांस, मतलब तीनों में ना आप अगर 3-3 सेट आपको लगाने हैं, और आपके जब 3-3 सेट लग जाए ना फिर आपको आना है डायरेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में, मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड में, और उसके बाद से आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आके यूं धमाल मचाना है। आपको डेली का ना कम से कम 30 मिनट प्रैक्टिस करनी है इसमें, मतलब आपको डेली ना गेम खेलने से पहले, मतलब डेली आप जब एक भी गेम ना खेले हो सुबह से, ठीक है, उस समय आपको आना है और कम से कम आपको 30 मिनट खेलना है, कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं डेली का, और वो भी डेली आपको खेलना है 30 मिनट डेली। कम से कम आप अगर आप 30 मिनट इन्वेस्ट करते हो ना यहाँ पे, तो गाइस आपका बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, मतलब आपका गेम प्ले भाई यूं नेक्स्ट लेवल होगा। तो गाइस सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।